कब रुकेंगे महिलाओं पर अत्याचार। उत्तर प्रदेश की हाथरस की मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंग रेप, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, जीव काटी, बुरी तरह से अत्याचार किया। जोगी राज का ये कैसा नाम राज्य। समाचार पत्रों की खबरों के मुताबिक हाथरस की निर्भय के शव को शमशान में लाने से पहले पूरे शमशान परिसर को पुलिस ने घेर लिया था। मनीषा वाल्मीकि के शमशान में बिना घरवालों के अनुमति के लाया गया और लकड़ियों के ढेर पर शव रखकर तेल छिड़का गया। पीड़िता की मां बिलखती रही, चिल्लाती रही और एक ही बात बार बार दोहराती रही, मैं हल्दी लगाती, बच्ची को अपने दरवाजे से विदा करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के यहाँ अंतिम विदाई के समय हल्दी लगाने का रिवाज है, जो परिवार नहीं कर पाया। पीड़िता का पिता भी सिसकता रहा। पीड़िता के पिता का आरोप है कि जिला प्रशासन ने उसकी पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति भी नहीं दी। आंसुओं से भरी आंखों से उन्होंने कहा कि बेटी ने कहा था कि वह घर आना चाहती है, वह अपनी चोट के कारण नहीं जा सकी, लेकिन हम प्रशासन के रवैये के कारण उसकी अंतिम ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सके। मनीषा वाल्मीकि के भाई भी बेबस नजर आए। भाइयों ने कहा कि प्रशासन जल्दी में था और चाहता था कि पिता के पहुंचने से पहले अंत्येष्टि कर दी जाए। बहन की अंत्येष्टि बगैर हमारी जानकारी के कर दी गई। पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया, चेहरा तक देखने नहीं दिया, न जाने किसे जला दिया। पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, धक्का मुक्की कर रही थी। हाथरस की दलित कन्या के साथ चार नर पशुओं ने जो कुकर्म किया, उसने निर्भय कांड के घाबों को हरा कर दिया है। ये बलात्कार और हत्या दोनों है। 14 सितंबर को अपने गांव की दलित कन्या के साथ उच्च जाति के चार नर पशुओं ने बलात्कार किया, उसकी जवान काटी और उसके दुपट्टे से उसको घसीटा। हाथरस के एक अस्पताल में उसका ठीक से इलाज नहीं हुआ। आखिरकार 29 सितंबर को उसने दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। हाथरस की पुलिस ने लगभग एक हफ्ते तक इस जघन्य अपराध की रपट तक नहीं लिखी और पुलिस ने आधी रात को उस कन्या का शव आग के हवाले कर दिया। उसके परिजनों ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी थी और उनमें से वहां कोई उपस्थित भी नहीं था। पुलिस ने ये क्यों किया? जाहिर है कि पुलिस ने अपनी करनी का जरा भी डर नहीं है। अगर कहें तो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस जघन्य अपराध की अनदेखी की। अब यदि हाथरस के स्थानीय पुलिस थाने के थानेदार का तबादला कर भी दिया गया है तो ये मामूली कदम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब अपेक्षा है कि वह इन पुलिस वालों पर इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे कि वह सारे देश के पुलिस वालों के लिए एक मिसाल बन जाए। यहाँ तक उन चारों बलात्कारियों का प्रश्न है, उन्हें पीड़िता ने पहचान लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन पर मुकदमा चलेगा और उसमें हमेशा की तरह बरसों लगेंगे।